उज्जैन जिले के सेगांव में भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विद्युत मंडल और ग्राम पंचायत को नल और विद्युत सुचारू रूप से चलाने हेतु निवेदन किया है। जल और नल प्रदाय विगत 2 दिनों से बंद है, इसे अतिशीघ्र सुचारू रूप से चालू करने हेतु निवेदन किया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, संतोष राठौर, सचिन गुप्ता, अशोक प्रजापत, हरीश पाठक मौजूद थे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और उप सरपंच सचिव द्वारा आश्वस्त किया गया कि कल दोपहर तक किसी भी हालत में नल जल प्रदाय शुरू कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत ने ग्राम के समस्त नागरिकों से अपील भी की है कि समय पर नल और जल का कर भरें, ताकि आप लोगों के द्वारा इस भरे गए कर से ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न बन सके। सेगांव से संजय साल की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया आज ग्राम पंचायत सेगांव में विद्युत मंडल द्वारा जो जल प्रदाय होता है सेगांव में, उसके विद्युत लाइन कनेक्शन काट दिए गए हैं। उसके कारण जल प्रदाय नहीं हो रहा है और जनता परेशान है। इसको लेकर विद्युत मंडल में हमने जाकर चर्चा की और उनको आवेदन दिया और ज्ञापन देकर शीघ्र ही लाइट चालू करी जाए और जल प्रदाय वापस निरंतर चालू किया जाए। साथ ही पंचायत से भी हमने मांग की है कि वो शीघ्र ही अपनी जो बिल बकाया है वो जमा करवाए, जिससे आम जनता परेशान ना हो। और मैं सभी ग्राम सेगांव के जनता से निवेदन करूंगा कि आप पर जो पंचायत का जल कर वहन कर बकाया है वो शीघ्र जमा कराने का प्रयत्न करें। क्या नाम लिखते हो? मुकेश पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।